क्षतिग्रस्त कॉलोनी में भर गया है, जिसके कारण लोगों में संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ने लगा है। वहां के क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष जताया। चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वो लोग नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। कॉलोनी के क्षेत्रवासी राजेश अग्रवाल ने कहा कि इंडस्ट्री एरिया का पूरा केमिकल नाले से कॉलोनी के अंदर प्लॉट में इकट्ठा हो रहा है, जिस कारण आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त को भी कॉलोनी वासियों ने अपनी समस्या से अवगत कराया, उसके बावजूद भी उसका कोई समाधान नहीं हो पाया, जिससे क्षेत्र वासियों में नगर निगम के खिलाफ काफी रोष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजेश अग्रवाल, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, दिल्ली रोड, सहारनपुर। हमारी अगर इस समस्या का निस्तारण 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम सभी कॉलोनी वासी बिजलीघर विभाग और कमिश्नर और नगर निगम में धरना देंगे। हम वहीं पर बैठेंगे, हम अपने बच्चों के साथ भी वहीं बैठेंगे। ये नाला हमें इस कॉलोनी में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस नाले ने हमें दुखी कर दिया और अभी आप इसके देख भी सकते हैं, ये हमारे यहाँ किस तरीके से बह रहा है, किलोमीटर के दायरों में बैठ रहा है, किलोमीटर के दायरों में बह रहा है। आप बताइए कहाँ जाएं, या तो हो गया है और झाग उठ रहे हैं उससे बुरी तरह से, आप देख सकते हैं जहर बन चुका है, दिखाएंगे। वो इतनी बुरी हालात में है, हमारे बच्चे इतनी बुरी हालात में है, कॉलोनी के अंदर घुसने का मन नहीं करता। कोई मेहमान भी, कोई बाहर का आदमी भी कॉलोनी में आता तो ये बोलता है कहाँ रह रहे हो, इससे अच्छा कहीं अनअप्रूव्ड में रह लेते, अप्रूव्ड कॉलोनी में जरूरत क्या थी। हमारी अप्रूव्ड कॉलोनी को ऐसे बना दिया जैसे कि कहीं का जंगल हो, तालाब बना दो। बस आपसे निवेदन है इस कार्य को, इस समस्या को 15 दिन के अंदर अंदर पूरा कराया जाए, अन्यथा हमें विवश होना पड़ेगा नगर निगम में और बिजली विभाग में और कमिश्नर साहब के सभी कॉलोनी वासियों को धरना देने में। सड़क तोड़ने में 2 दिन नहीं लगे थे और आज 3 महीने तक सड़क बनी नहीं है, ये कैसा विकास है? हम लोग तो आज तक विकास के लिए तरस रहे, महीनों महीने हो गए, ये लोग कहते हैं हम लोग बहुत तेजी से गाड़ी निकल पा रही है, विकास कर रहे हैं, विद्यालय कहां से निकलना।